हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं। कस्टम वॉलपेपर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई अप्लाई आपने डाउनलोड कर रखा है या फिर कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई सा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और मी पर जाएंगे जैसे कि आपके प्रोफाइल में कोई या फिर गैलरी में कोई अपने वॉलपेपर डाउनलोड कर रखा है उसे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला वॉलपेपर लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही आपसे पूछेगा सेट टू लॉक स्क्रीन, सेट टू होम स्क्रीन, सेट स्पॉट। बोर्ड का मतलब होता है पेन, दोनों पर। तो मैं दोनों पर सेट कर देता हूँ कस्टम वॉलपेपर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये वॉलपेपर है ये सेट हो चुका है। तो ये आप देखेंगे वॉलपेपर सेट हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।